जितना जोश आपको स्टूडियो में दिख रहा है, जितना जोश आपको टीवी पर दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जोश इस वक्त उन अमेरिकन इंडियंस में है जो वहां पर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में टीवी 9 भारतवर्ष मौजूद है, जहां से पल पल की कवरेज लगातार हो रही है, और पीएम के पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू वहां सिर चढ़कर बोल रहा है। आपको न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम कहां पर खड़े हैं आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क का ये टाइम्स स्क्वायर है। यहां की रौनक में चार चांद और लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर मौजूद है हमारे साथ कौन लोग, भारत के लोग। और ये जो भारत के लोग हैं, क्यों यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर पर ओपन टाउन हॉल है। यहां पर मोदी जी आ रहे हैं, वहां पर मैं देख रहा हूं कि बड़ी हलचल हो रही है पाकिस्तान और चीन में। अच्छे काम में हमेशा फूफे लोग नाराज हो जाते हैं, तो ठीक है, उनका स्वभाव है, लेकिन भारत तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पे चलता है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र से हम उनके लिए भी भला ही चाहते हैं। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं, इस चीज़ के बड़े पॉलिटिकल डायमेंशंस निकाले जाएंगे, बड़ी सारी बातें होंगी, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के जो इंडियन अमेरिकन हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वो कैसे देखता है? आज भारत ग्लोबल इमर्जिंग लीडर बन चुका है। 2014 में मुझे याद है जब नरेंद्र भाई जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब वो मैं कभी देश का मान झुकने नहीं दूंगा और उसके बाद से देश को उस अग्रणी पंक्ति में खड़ा करूंगा, आज सब चीज़ को साकार होते देख रहा हूं। और सारे भारतीय यहां पे इतने गदगद हैं, और उनको हम तो कहते हैं भाई हमारी भी उम्र लग जाए कि देश हमारा जगत गुरु बने, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य हेल्थ पीस और प्रॉस्पेरिटी के इस पूरे इस महासंगम को लीड करें। अभी कहीं भी जाइए, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, सब जगह जो है इंडियंस जो हैं दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। अभी हम जो भी करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान बोलता है कि ये सिर्फ धंधे के लिए हो रहा है, ये सब इसके लिए हो रहा है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान बोल रहा है, वो चीन के साथ खड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका और रशिया दोनों हमारे साथ मिलके खड़े हो पाएंगे? ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसी बात करते हैं। तो देखिए, ये जो वहां पर भारत के लोग या कहें इंडियन अमेरिकन्स जो वहां पर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, वो किस तरह से बहुत जोश में हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं, जिस सप्लाई चेन की बात हो रही थी, किस तरह से अमेरिकी कंपनियां भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर, निवेश करने को लेकर जोश में है। अमेरिकी कंपनियों ने माना भारत का दम। देखिए, 2022-23 में एप्पल ने भारत से $5 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। भारत में जो बने हैं आईफोन, उनकी बात कर रहा हूं मैं, अकेले अप्रैल और मई 2023 में करीब 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट एप्पल ने यहां से किया है। एप्पल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और करने जा रही है इंडिया में। 2 महीनों में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में एप्पल की हिस्सेदारी 80% है, जो इंडिया से दुनिया भर को गए। और गूगल बहुत बड़ी कंपनी, भारत में फोन मैन्युफैक्चरिंग जल्द शुरू करने पर विचार कर रही है। ऑलरेडी बातचीत चल रही है यहां उनकी मैन्युफैक्चरर से, भारतीय कंपनियों से गूगल की बातचीत जारी है। इसके अलावा आप देखिए, पीएम मोदी अमेरिका में बड़ी कंपनियों को भारत आने का न्योता देंगे, और जिसका भी हमने जिक्र किया था, इलॉन मस्क का टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत लाने के लिए बातचीत संभव है। यह है भारत का दम जो हम यहां पर दिखाना चाह रहे हैं, जो सप्लाई चेन की बात हो रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं।